हे फोक्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगी 2020 में आई एक हॉरर मूवी स्केरी हाउस को, जिसको डायरेक्ट किया है डेनियल प्रोचास्का ने। ये कहानी एक स्केरी हाउस के बारे में है, जहां पर एक 16 साल का लड़का अपनी माँ और छोटे भाई के साथ आता है, बट वहां पर वो खुद को अकेला पाता है और उसके कोई दोस्त भी नहीं होते, जिसके चलते घर में कुछ ऐसी घटनाएं और राज खुलने लगते हैं जो कि कई सालों से दबे हुए थे। लेकिन अगर उसके पास इजी गेट इंस्टा ऐप होता तो शायद वो खुद को अकेला कभी नहीं पाता। इस ऐप से आप इजीली लाइक्स और इंस्टाग्राम फॉलोअर्स इंक्रीज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करना है, जो कि एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिए अवेलेबल है। ऐप ओपन करने पर आपको बस साइन अप करना है, देन आपको अपनी वो इंस्टाग्राम आईडी एंटर करनी है जिसके अंदर आप अपने फॉलोअर्स और लाइक्स को इंक्रीज करना चाहते हो। एंड ये रियल फॉलोअर्स हैं, कोई बॉट्स नहीं है। आप देख सकते हैं कि ऐप में एंटर करते ही आपको कुछ कॉइन्स मिलते हैं, एंड अगर अपनी जीमेल आईडी आप एंटर करेंगे तो आपको और भी कॉइन्स मिलेंगे, जिससे आप लाइक्स फॉलोअर्स इंक्रीज कर पाएंगे। इन केस आपको लगता है कि कॉइन्स कम है तो आप रेगुलर टास्क कंप्लीट करके इन कॉइन्स को इंक्रीज कर सकते हैं। अब मैं ये पर्टिकुलर पैकेज सेलेक्ट कर लेती हूँ इन कॉइन्स की मदद से। अब मेरी आईडी पर 50 फॉलोअर्स एंड लाइक्स इंक्रीज हो गए हैं। तो दोस्तों, है ना कमाल की ऐप। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी जाकर डाउनलोड करें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सबीने नाम की लेडी को, जो अपने दो बेटों हैंड्रिक और एडी के साथ न्यू हाउस में शिफ्ट होने जा रही होती है। कार में सबीने हैंड्रिक से कुछ बात करती है, बट हैंड्रिक उससे चिढ़ जाता है। एक्चुअली हैंड्रिक अपने डैड से काफी क्लोज था, जिसकी कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी, और हैंड्रिक इस चीज से बहुत ही ज्यादा अपसेट था। वो लोग घर के पास पहुंचते हैं, जहां एडी एक स्नेल को पकड़ लेता है और उसको अपना पेट बना लेता है। सबीने रियल एस्टेट एजेंट जेरोल्ड से बात करने लगती है, जो उन लोगों को घर दिखाता है और वो आसपास ही रहा करता था। सबीने और उसकी फैमिली घर को देखने लगते हैं, जहां एडी एटिक की तरफ देखकर कुछ पॉइंट करता है। हैंड्रिक भी एटिक को देखता है, जहां उसको कुछ अजीब सा लगता है, बट वो उसको इग्नोर करके वहां से चला जाता है। पास ही में रहने वाली उनकी नेबर वुमन उनको देखकर बोलती है कि भगवान उनको बचाना। घर में एडी को एक आवाज सुनाई देती है, जहां वो एक रूम के पास जाता है जिसके डोर के बाहर सॉल्ट की लाइन बनी हुई थी। एडी को रूम के अंदर से एक आवाज आती है, एज उसको कोई बुला रहा था, और वो सॉल्ट की लाइन को चेक करने लगता है, बट सबीने उसको बुला लेती है और वो वहां से चला जाता है। अब सबीने घर की वॉल पर पुराने ओनर्स की फोटो निकालकर अपनी फैमिली की फोटो लगाती है और डिनर के लिए चली जाती है, जहां उसकी और हैंड्रिक की बहस होने लगती है। रात को सोते टाइम हैंड्रिक के रूम में एडी आता है, जो वॉल पर एक अजीब सी पेंटिंग करता है। हैंड्रिक के बुलाने पर वो कुछ रिएक्ट नहीं करता है और हैंड्रिक उसको सुलाने ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हैंड्रिक ग्रोसरी शॉप जाता है, जहां के लोग उसको अजीब तरीके से देखते हैं। वो शॉप से ब्रेड लेकर निकलता है और एक ट्रक से उसका एक्सीडेंट होने से बच जाता है, जिसका ड्राइवर उसको देखकर स्माइल करता है, जो कि उसकी ही उम्र का लड़का था। हैंड्रिक ब्रेड लेकर घर आ जाता है और ब्रेकफास्ट के बाद सबीने, हैंड्रिक और एडी अपने नेबर से मिलने जाते हैं, जो उनको देखकर बोलती है कि वो देखेगी कि वो लोग कब तक बच पाएंगे और लास्ट नेबर से ज्यादा टिकेंगे या नहीं, जो कि सबीने के लिए अजीब था। सबीने एडी को हैंड्रिक के पास छोड़कर एक केव एक्सप्लोर करने जाती है, जहां पर उसका काम था, और हैंड्रिक एडी को लेकर घूमने जाता है, बट एडी एक ग्रेव के पास चला जाता है जो प्रीवियस ओनर्स की थी। हैंड्रिक उसको वहां से लेकर बीच की तरफ जाता है। बीच पर उसको एक लड़का मिलता है जिसका नाम फ्रिड्स होता है, और वो हैंड्रिक से बोलता है कि उसके घर में अमेलिया पोल्समैन नाम की लेडी का घोस्ट रहता है, जिसने अपने बच्चों रेल्फ और रो को जहरीला मशरूम खिलाकर मार दिया था, और वो पागल हो गई थी, जिसके चलते उसने खुद भी सुसाइड कर लिया था। अब वहाँ पर अचानक ही वो ट्रक वाला लड़का क्रिस भी आता है, जो हैंड्रिक को परेशान करते हुए उसका फोन फेंक देता है। हैंड्रिक एडी को लेकर घर आने लगता है और रास्ते में फ्रिड्स भी उसके साथ था। फ्रिड्स उसको बोलता है कि वो हैंड्रिक की हेल्प करेगा, एज हैंड्रिक के घर में गोस्ट है, बट हैंड्रिक उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता, और वो लोग घर आ जाते हैं।
डिनर के टाइम एडी हेनरिक को एक विमन के बारे में बताता है कि सामने एक विमन है बट हेनरिक को कोई नहीं दिखाई देता। सब सोने चले जाते हैं और सबीने नोटिस करती है कि उसकी फैमिली फोटो वॉल पे नहीं है और प्रीवियस ओनर्स की फोटो वहाँ पर वापस आ गई है। सबीने एडी के रूम में खुद की फैमिली फोटो को पाती है और उसको लेकर वहाँ से चली जाती है। रात में हेनरिक अपनी नेबर लेडी को देखता है जो अपने घर के बाहर सॉल्ट की लाइन बना रही थी। अपेरेंटली वो भूतों को अपने घर के अंदर आने से रोकना चाह रही थी और ये भी हो सकता है कि वो स्नेल को भी रोकना चाह रही हो। और ये देखकर वो अपने लैपटॉप पर अमेलिया पोल्समैन के बारे में सर्च करता है, जहां उसको फ्रिट्ज की बताई हुई बातें पता चलती है कि उसने अपने बच्चों को मारकर खुद सुसाइड कर लिया था। ये सब देखकर वो सो जाता है बट सडनली उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि एडी उसके रूम में आकर फिर से वॉल पर कुछ सीजर से कार्व कर रहा है और स्लोवेनियन भाषा में बड़बड़ा रहा था। अब सबीने वहाँ आकर एडी को ले जाती है और हेनरिक उस ड्राइंग की पिक्चर निकाल लेता है जिसके साथ उसने एडी की वॉइस को रिकॉर्ड किया था। अब इसका मतलब वो अगले दिन फ्रिट्ज से पूछता है बट फ्रिट्ज को उसका मीनिंग नहीं पता होता और वो ईडा नाम की एक लड़की से इसका मतलब पूछने चला जाता है। ईडा उसको एडी की वॉइस का मीनिंग बताती है कि मॉम निर्दोष है। फिर हेनरिक उससे गोबे का मतलब भी पूछता है जो एडी ने रूम की वॉल पर कार्व किया था, जिसका मतलब ईडा मशरूम बताती है। हेनरिक को फिर से क्रिस परेशान करता है और वो उसकी नाक पर पंच करता है जिससे हेनरिक ब्लीड करने लगता है और ईडा उसको टैम्पोन्स देकर उसका ब्लड रुकवाती है एंड फ्रिट्ज ब्लड को देखकर बार बार बेहोश हो जाता है। यहाँ पर ईडा एंड हेनरिक के बीच एक कनेक्शन बन रहा था। खैर हेनरिक घर आ जाता है जहाँ सबीने उसको समझाती है कि वो उसकी केयर करती है। वहीं टीवी देखते हुए एडी को फिर से एक आवाज आती है और सबीने देखती है कि वो गायब है। हेनरिक और सबीने उसको ढूंढने लगते हैं जहाँ उनकी नेबर मिसेस सिलोस उनको बोलती है कि एडी सेमेट्री के पास है। वो सेमेट्री के पास जाकर देखते हैं जहाँ एडी एक ग्रेव के पास सोया हुआ था। घर आकर हेनरिक एडी से पूछता है कि उसको किसने बुलाया था, जहाँ एडी बोलता है कि एक वुमन ने, बट वो नहीं जानता कि वो कौन थी। हेनरिक एडी की ड्राइंग्स को नोटिस करता है जहाँ एडी ने एक वुमन स्केलेटन और स्लग्स को ड्रॉ किया था। रात को हेनरिक ईडा से बात करता है जहाँ कुछ टाइम बाद वो एडी के रूम में सोने आ जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में हेनरिक देखता है कि ईडा उससे मिलने आई हुई है और वो ईडा को अंदर बुलाता है, जहां ईडा से कुछ टाइम बात करने के बाद हेनरिक के घर पर फ्रिट्ज भी आ जाता है और वो लोग अमेलिया पोल्समैन के बारे में बात करने लगते हैं और डिस्कस करते हैं कि एडी को कौन पजेस कर रहा है। वो लोग एक रिचुअल करने लगते हैं और सोल को बुलाने लगते हैं, जहां एडी के अंदर एक सोल आ जाती है जो उसको पजेस कर लेती है। हेनरिक उससे कुछ चीजें पूछता है लाइक उसको किसने मारा और ईडा ये सब ट्रांसलेट कर रही थी। एडी के अंदर के स्पिरिट यानी रो उनको लेकर बेसमेंट में जाता है जहां उनको प्रीवियस ओनर्स का सामान मिलता है और एडी गोबी वर्ड बोलता है जहां वो लोग एक वार्डरोब खोलते हैं जिसके अंदर पोलारॉइड कैमरा में एक घोस्टली स्पिरिट दिखाई देती है जो कि रैल्फ की थी और उनको वहां एक बुक मिलती है जिसको लेकर वो लोग वहां से भागकर ऊपर आ जाते हैं। वो लोग बुक को देखते हैं जिसका टाइटल गोबे था और उनको बुक के अंदर एक रील मिलती है। फ्रिट्ज वहां से चला जाता है प्रोजेक्टर लेने के लिए और ईडा हेनरिक को बुक में एक डायरी मिलती है। घर पर तभी एस्टेट एजेंट जेरोल्ड आता है जो हेनरिक को स्लग पॉइजन देकर वहां से चला जाता है। वो उसके साथ काफी वियर्ड बिहेव कर रहा था। इनफैक्ट वो सबीने में भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट शो करता है। अब फ्रिट्ज भी वापस आ जाता है और वो लोग रील को चलाकर देखने लगते हैं। साथ ही ईडा डायरी भी पढ़ने लगती है। वो पढ़ती है कि आज हम अपने न्यू घर से शिफ्ट हुए हैं। मॉम को मशरूम इकट्ठा करना बहुत पसंद है। अब हमारे मेड को हमारे डैड ने एक स्नेल शेप्ड नेकलेस गिफ्ट किया है जो उन्होंने मॉम को कभी नहीं दिया था। वो लोग ये रील देखते हैं और बात करते हैं कि वो मिसेस सिलोस है जो यहाँ किसी जमाने में हाउसकीपर थी, मीनिंग उनकी नेबर। वो इसके बारे में मिसेस सिलोस से पूछने का सोचते हैं क्योंकि मर्डर का स्नेल पेंडेंट से कनेक्शन था। खैर वो लोग मिसेस सिलोस के घर जाते हैं जहां वो नहीं होती और ईडा हेनरिक घर में ब्रेक इन करते हैं और फ्रिट्ज बाहर नजर रख रहा था।
वो लोग देखते हैं कि मिसेस सिलोव्स ने बहुत से मशरूम और स्नेल्स को अपने पास रखा हुआ था। तभी मिसेस सिलोव्स घर आ जाती है। वो उन तीनों को पकड़ लेती है और उनसे बात करने लगती है, जहां वो बताती है कि मिसेस पोल्समैन अजीब बिहेव करने लगी थी और अपने बेटों को मारने के बाद वो पागल हो गई थी। ये बोलते हुए मिसेस सिलोव्स रोने लगती है, जिस पर ईरा को बुरा लगता है, बट फिर गुस्से में वो सबको वहां से भगा देती है। बाहर आकर ईरा हेनरिक से बोलती है कि मिसेस सिलोव्स निर्दोष है, और इस बात पर हेनरिक और ईरा की बहस हो जाती है, जिसके चलते ये तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर आकर हेनरिक शीशे के सामने खड़ा होता है, जहां उसको सडनली रैल्फ की एक झलक दिखती है और वो इससे डर जाता है। अब रात को एक हुडेड पर्सन उसके घर के बाहर ग्रेव पे कैंडल रख रहा होता है, और हेनरिक को एक नाइटमेयर आता है जहां वो मिसेस पोल्समैन और उनके दोनों बेटों को देखता है, जिससे डरकर वो जाग जाता है। वो देखता है कि स्लग पॉइजन वाली बोतल खाली है और वो डरकर नीचे जाता है, जहां वो सबीने के कॉफी कप को फेंक देता है क्योंकि उसको लगता है कि वो पॉइजन पी रही है, और सबीने उसको समझाकर वहां से चली जाती है। हेनरिक अब ईरा के घर जाता है, जहां वो ईरा से माफी मांगता है और उसको सॉरी बोलता है, जिस पर ईरा मान जाती है। वो लोग एक रिवर के पास जाकर बात करने लगते हैं, जहां ईरा को सडनली हेनरिक में रैल्फ की झलक दिखती है, जिससे वो डर जाती है और हेनरिक उसको शांत करता है। रात को हेनरिक घर आ जाता है, जहां उसके साथ ईटा और फ्रिट्स भी थे। वो लोग वहीं रुककर रो से बात करना चाहते थे कि वो क्या चाहता है। सब लोग सो जाते हैं और ईडा रात को जागती है और वो हेनरिक को पजल स्टेट में पाती है। ईडा और फ्रिट्स बचकर भागने लगते हैं और हेनरिक के अंदर के स्पिरिट उनसे कुछ चीजें बोलता है, लाइक रिवेंज, मदर, इनोसेंट। ईडा हेनरिक को किस करके नॉर्मल कर देती है, और तभी हेनरिक की माँ आ जाती है जो ड्रंक थी, और बोलती है कि क्या उन लोगों ने ड्रिंक किया है, और ड्रिंक नहीं करना चाहिए, बहुत बुरी बात होती है। ईडा और हेनरिक पजल स्टेट में बोले गए वर्ड्स को डिकोड करने लगते हैं और बोलते हैं कि मिसेस पोल्समैन निर्दोष थी और असली खूनी कोई और ही है। नेक्स्ट डे वो लोग टाउन के एक फेस्टिवल में जाते हैं, जहां टाउन के सारे लोग आए हुए थे। हेनरिक अभी फेस्टिवल में नहीं आया था और ईडा उसको कॉल करके पूछती है, और वो बोलता है कि उसको कातिल मिल गया है और वो कातिल का पीछा कर रहा है, एज उस कातिल ने स्नील पेंडेंट पहना हुआ था। ईडा और फ्रिट्स पार्टी में मिसेस सिलोव्स के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या उनके बाद वहाँ कोई और हाउसकीपर आया था, जिस पर मिसेस सिलोव्स एग्री करती है। वही हेनरिक उस हुडेड पर्सन का पीछा करते हुए एक घर में आता है, जहाँ उसको रैल्फ की झलक दिखाई देती है, और वहाँ देखने पर उसको एक लेटर मिलता है, जिस पर लिखा हुआ था, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहती थी, मैं दुखी हूँ इस चीज से कि मैं अब तुम्हें नहीं देख पाऊंगी। यहाँ पर मिसेस पोल्समैन के हस्बैंड की बात हो रही है। तभी वहाँ वो हुडेड पर्सन आती है, जो एक लेडी थी, यानी कि इस लेडी का और मिसेस पोल्समैन के हस्बैंड का अफेयर चल रहा था। इस लेडी का नाम लीव्यू था, और ये वही लेडी थी जिसको पोल्समैन ने हाउसकीपर रखा था मिस सिलोव्स के बाद। व्यूक हेनरिक को देखकर उसको रैल्फ बुलाती है और हेनरिक वहां से भाग जाता है। हेनरिक बाहर जाता है, जहां उसको जेरोल्ड मिलता है, जो व्यूक और मिस्टर पोल्समैन का बेटा था। ये देखकर हेनरिक भाग जाता है और जेरोल्ड भी उसका पीछा करता है। रास्ते में हेनरिक को ईडा मिलती है, जो उसको ढूंढने आई थी, और वो लोग जंगल की तरफ भाग जाते हैं। दूसरी ओर फ्रिट्स पुलिस को बुलाता है कि हेनरिक किडनैप हो गया है और वो खतरे में है। अंदर सभी ने हेनरिक का इंतजार कर रही थी, तभी एडी फिर से स्लोवेनियन में कुछ बोलने लगता है, और सबीने का फ्रेंड उसको ट्रांसलेट करके बताता है कि हेनरिक खतरे में है, और वो लोग वहां से हेनरिक को ढूंढने चले जाते हैं। क्रिस भी उनके साथ आता है। दूसरी ओर हेनरिक और ईरा केव में चले जाते हैं, जहां जेरोल्ड भी उसका पीछा कर रहा था, और जेरोल्ड से बचते हुए वो लोग पानी में गिर जाते हैं, जहां हेनरिक का पैर फंस जाता है और जेरोल्ड उनको वहीं फंसा हुआ छोड़कर चला जाता है। सभी ने पुलिस और सबके साथ व्योग के घर आती है, जहां फ्रिट्स उसका पेंडेंट देखकर बोलता है कि वो खूनी है, और वहां जेरोल्ड आता है, जो पुलिस को देखकर भागने लगता है, बट क्रिस उसकी कार को ब्लॉक कर देता है और पुलिस जेरोल्ड को पकड़ लेती है। हेनरिक ईरा को बोलता है कि ईरा हेल्प के लिए चली जाए, और ईरा उसको हग करके हेल्प के लिए बाहर चली जाती है। ईरा भागकर सबीने और पुलिस के पास पहुंच जाती है, और वो लोग हेनरिक को बचाने चले जाते हैं। पुलिस और सबीने केव के अंदर जाते हैं हेनरिक को लाने। सुबह हो जाती है और ईरा हेनरिक के लिए परेशान होती है, बट वो देखती है कि हेनरिक सही सलामत बाहर आ जाता है। तभी एडी को रो पजस कर लेता है और वो व्यूक से बात करने लगता है कि उसने उनको क्यों मारा।
व्यूक दुखी होकर बोलती है कि वो उनको नहीं मारना चाहती थी, वो तो मिसेस पोल्समैन को मारना चाहती थी, लेकिन गलत टाइम पे तुम लोगों ने मशरूम खा लिए थे और उसको आज भी दुख है इस चीज का कि उसने उन बच्चों को मार दिया। और इसका मतलब ये था कि मिसेस पोल्समैन पागल नहीं थी और ना ही मर्डरर। एंडिंग सीन में हम सबीने, हैनरिक, ईडा, फ्रिट्स और एडी को उनकी ग्रेव पर देखते हैं, जहां वो बोलते हैं कि मिसेस पोल्समैन पर लगा हुआ इल्जाम हट चुका है और वो गिल्टी नहीं थी। अब एंड में हम वहां मिसेस पोल्समैन, रो और राल्फ की सोल्स को देखते हैं जो फ्री हो चुकी थी और बस मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी स्केरी हाउस मूवी की कहानी। अगर मूवी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ, गेट इंस्टा ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।